हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड डेली में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। उसके साथ आज हमने बनाई है आलू की सब्जी। हमने आलू की खस्ता कचौड़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाई है, एकदम फूली फूली कचौड़ी बने है। कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी कचौड़ी बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। इसके साथ हमने आलू की सब्जी भी बनाई है, उसका टेस्ट बिल्कुल, आप मार्केट में खाते हैं ना कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी, बिल्कुल वही वाले इसमें टेस्ट आएगा। और इसमें मार्केट के टेस्ट के लिए अलग मसाले डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो भी मसाले किचन में यूज करते हैं बस वही वाला है, सिर्फ डालने के तरीका अलग है इसमें। और सर्व उसी तरीके से किए हैं जैसे कि मार्केट में सर्व करते हैं। हमने जो कचौड़ी बनाई है वो बाजार जैसी खस्ता है, टेस्ट उसका बिल्कुल मार्केट जैसा है। अभी इस रेसिपी के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मार्केट जैसी एकदम फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात। परात में डालेंगे एक कटोरी मैदा, साथ ही आधा कटोरी यहाँ पर हम गेहूं के आटे ऐड करेंगे। आप चाहे तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं या चाहे तो खाली गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। तो दोनों हम मिक्स करके बना रही हूँ। आधी छोटी चम्मच स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, एक छोटी चम्मच अजवाइन इस तरह से मसल के ऐड कर देंगे। अजवाइन से कचौड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पचाने में हेल्प करता है। साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ मोयन यानी घी डाल रही हूँ। घी से कचौड़ी एकदम खस्ता पर बनती है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी डाल सकती हैं, जो रिजल्ट आपको घी से मिलेगी वो तेल से नहीं मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा घी यहाँ पर डालिएगा, बिल्कुल आपके कचौड़ी एकदम मार्केट जैसी बनेगी। दो बड़ी चम्मच इसमें घी ऐड करे है। आप इसे हाथों से अच्छे से मस लेंगे। यहाँ पर मैंने दो कप मैदा और आटा दोनों मिक्स करके लिए है, उसी के अनुसार यहाँ पर दो बड़ी चम्मच घी ऐड करे है। अब इसे अच्छे से मसलने के बाद में इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देख लीजिए, इस तरह से बांधना चाहिए। ऐसा मान के चलिए कि इसमें घी परफेक्ट हो गया, उसी के अनुसार आप घी इसमें ऐड कीजिएगा। अब यहाँ हल्का गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा के डो लगाना है। यहाँ सबसे जरूरी टिप्स है कि डो हमें कैसा लगाना है। हम सभी जानते हैं कि समोसा के लिए डो लगाते हैं वो थोड़ा सख्त होता है, लेकिन कचौड़ी के लिए डो हमें नरम लगाना होता है। आटे अभी बहुत टाइट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम गूंथेंगे, हम गूंथ के नरम करेंगे। मार्केट में स्टैंड बनाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि कचौड़ी फूल जाए, उससे क्या होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कचौड़ी एकदम ऑयली बन जाती है। तो आप यहाँ पर अच्छे से आटा की आप गूंथ लेंगे, नरम लगा लेंगे तो आपकी कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेंगे। ये देखिए एकदम डो नरम हो गया है, इसमें कोई भी करेक्स नहीं है। आप इसे हम रेस्ट में रखेंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए आटे के रखना है। अब इसके ऊपर हल्का सा घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर से कवर कर देंगे गीले कपड़े से, आप चाहे तो कोई भी बर्तन से ढक कर रख दे। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए कचौड़ी का फटाफट स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर 6 मीडियम साइज के हम उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे मैशर से मैश कर लूंगी। इसे आपको अच्छे से मैश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कचौड़ी तेल में फट जाएंगे अगर आलू के बड़े चंक्स टुकड़े रह जाते हैं तो। यहाँ आलू अच्छे से हम मैश कर ली है। अब चलिए गैस के ऊपर हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे एक छोटी चम्मच तेल और तेल के अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही हल्का तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ ही एक छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसको मैंने क्रस करके लिए है। फ्लेम के लो टू मीडियम रखिएगा। यहाँ पर हम आधा इंच अदरक या दो हरी मिर्च के खलबत्ते में कूट करके लिए है। आप चाहे तो इसके पेस्ट बना के भी ले सकते हैं, कूट करके लेंगे तो टेस्ट कचौड़ी में बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी चीजों को हम एक मिनट फ्लेम पर भून लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच दीघी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला के जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकती है, बहुत ही चटपटा फ्लेवर कचौड़ी में आता है। अब सभी मसाले के लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ जो भी मसाला हम डाले हैं, एक आध मसाले आपके पास ना हो तो उसे स्किप भी कर सकती हैं। ये कचौड़ी में टेस्ट बिल्कुल मार्केट के आप कचौड़ी खाते हैं ना इसमें वही टेस्ट आएगा। मसाले से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मसाले अच्छे से भून गई है। जो यहाँ पर आलू मैश करके रखे हैं ना इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम का यहाँ पर मीडियम टू हाई रखेंगे और 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे आलू के अच्छे से भून लेंगे। आलू में थोड़ा मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा कम हो जाएंगे। अब एंड में डालेंगे हम स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद में फिर से इसे मिलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता। अब इसे मिक्स कर लेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसे एक साइड में हम रखेंगे
रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक चलिए फटाफट बनाते हैं हलवाई स्टाइल में चटपटी एकदम स्पेशल इंस्टेंट वाली आलू की मजेदार सब्जी। उसके लिए यहाँ पर लिए हैं आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, एक छोटी चम्मच साबुत धनिया लिए। खलबत्ते में डाल करके इसे हम दरदरा हम कूट लूंगे। इस खरे मसाले से आपके आलू की सब्जी में टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसी आएगा, खाकर कचौड़ी के साथ मजा आ जाएगा। तो एक बार मेरे तरीके से आलू की सब्जी बनाकर जरूर देखिएगा। लीजिए सभी चीजों को अच्छे से हम दरदरा कूट लिए है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे हम 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें डालेंगे हम कुछ खरे मसाले। खरे मसाले में लिए एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 से 3 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च। ये तो रोज वाली आलू की सब्जी नहीं है, ये तो आलू की कचौरी वाली हलवाई स्टाइल में एकदम चटपटी मजेदार आलू की सब्जी है। खरे मसाले के डाल देंगे, कुछ सेकंड के लिए खरे मसाले के हम भून लेंगे। फ्लेम के लो टू मीडियम रखेंगे। अच्छे से खरे मसाले के इसमें फ्लेवर आ गया है। अब इसी स्टेज पर जो हम क्रश करके रखे है ना, इसी में पूरा ऐड कर देंगे। इसमें हम खारे मसाले और क्रश किया हुआ मसाले डाले हैं, आप जरूर डालिएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। कुछ मिनट हम खारे मसाले के भी हम इस तरह से भून लेंगे ताकि तेल में सभी चीजें के फ्लेवर बहुत बढ़िया से आ जाए। इसमें सभी खारे मसाले के फ्लेवर तेल में आ गया है। अब इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ ही बारीक कट किया हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम बेस आप कर सकते हैं। ये हम स्पाइसी बना रही हूँ। हरी मिर्च और अदरक ये सब्जी के जान होती है, वही सारी चीजें है कि आपके सब्जी के बनाएंगे जबरदस्त टेस्टी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अदरक के जलने नहीं देना है, सब्जी में कड़वापन आ जाएगा, अदरक में कड़वाहट सी आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्लेम के लो टू मीडियम रखिएगा, अदरक और हरी मिर्च के पकने देंगे। ये छोटी छोटी चीजें है, अच्छे से सारी चीजें पक जाएंगे आपके सब्जी में टेस्ट। आप जो मार्केट में कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी खाते है ना, बिल्कुल वही वाली इसमें टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने ली है 2 टमाटर, जो लाल वाली टमाटर हाइब्रिड के आती है ना वही वाली लिए हैं। आप चाहे तो देसी टमाटर भी लाल वाली आती है ना, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इनको इस तरह से आप मोटे मोटे टुकड़े में कट कर लें। इसकी रीजन हम बाद में बताऊंगी, आप इसके प्यूरी बनाकर ना डालें। फालतू मेहनत करने के यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और टमाटर गया है तो स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और सब्जी में परफेक्ट कलर देने के लिए डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच दीघी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा भी है और कलर भी देता है। आप चाहे तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारे मसाला जले नहीं, उसके लिए इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। उसका रीजन है आधा कप इसमें हमने पानी डाले है ना, साथ के साथ टमाटर के बड़े बड़े जो पीस है पानी के साथ उबल कर अच्छे से टमाटर भून जाएंगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। अब बढ़िया से टमाटर के 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब इसके ऊपर से हम लीड लगा देंगे और 3 से 4 मिनट इसी तरह से लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम टमाटर के चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से टमाटर सॉफ्ट हो गया है और टमाटर अच्छे से भून भी गया है। ये देखिए बढ़िया से मसाले से तेल सेपरेट हो गया है, मसाले से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले ना। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे उबले हुए 7 मीडियम साइज के आलू। ये उबले हुए आलू से सब्जी बनाई जाती है। आप यहाँ पर हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। यदि आलू के टुकड़े बड़े बड़े रह गया है तो करछी से आप मैश कर लीजिएगा। इस तरह से क्रश करके आप डाल दीजिए। आलू के डाल करके 1 मिनट भुनिए ताकि मसाले के कोटिंग आलू के ऊपर आ जाए। ये देखिए आ रहा है ना मुंहों से पानी। जब ये सब्जी तैयार हो जाएगी आपसे रुका नहीं जाएगा, आप तुरंत किचन में जाकर आलू की सब्जी स्पेशल आप कचौरी आलू के बनाकर मिनटों में तैयार कर लोगे। ये कचौरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। ये सब्जी हम आलू के कचौरी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, आप यहाँ पर उसी अनुसार पानी ऐड कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा पतला ग्रेवी खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 3 से 4 कप के करीब पानी हम डाल रही हूँ। अच्छा यहाँ पर हम गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गुनगुना पानी डालने से क्या होता है, सब्जी के स्वाद खुशबू मेंटेन रहता है और इसका कलर बरकरार रहता है। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में कुछ हम फ्लेवरफुल मसाले इसमें डालेंगे। आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला है तो भी डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर हलवाई जरूर डालते हैं, तभी वो सब्जी में टेस्ट आता है। 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे।
हींग जरूर डालिएगा, सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यही 3 से 4 हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 20 में से चीरा लगा के आप हरी मिर्च इस तरह से आप डाल दीजिएगा। हलवाई ऊपर से डालते हैं, हरी मिर्च कितने ग्रीन बना रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट लगता है। अब यहीं पर डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से जबरदस्त फ्लेवर आएगा और एकदम खुशबूदार हमारी सब्जी तैयार होगी। अब बिल्कुल इसी स्टेज पर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर से मसाले डाली हूँ, इससे आपकी सब्जी में टेस्ट स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। पहले डाल देते तो वो स्वाद इसमें नहीं आता, तो इसी स्टेज पर आप सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। अब लो फ्लेम पर 5 मिनट इसी तरह से हम पकने देंगे। इससे क्या होगा, जितना चीज़ें हम डाले हैं ना बिल्कुल अच्छे से पानी के साथ पक जाए और सब्जी के स्वाद कलर बढ़िया से आ जाए। तो चलिए सब्जी पक रहा है, तब तक हम बनाते हैं सीक्रेट वो चीज़ है, उसके बगैर अधूरी है आलू की सब्जी। उसकी महक से पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू आ जाए, वो है तड़का। उसके लिए हम लेंगे एक तड़का पैन, के इसके ऊपर रखेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच देसी घी, आप चाहे तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। घी के गर्म होते ही 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। आलू के सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गैस के हम बंद कर देंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये देगी सब्जी में लाल वाली कलर। अब सब्जी के 5 मिनट के करीब हो गई है, अब लीड को हटाएंगे। वाओ, जबरदस्त वाली आलू की सब्जी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। फटाफट इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता, गैस के बंद कर देंगे और इसी स्टेज पर तुरंत हम लगाएंगे हमारा तैयार किया हुआ तड़का। ऊपर से हम कवर कर देंगे और जब तक ये हल्का ठंडा हो रहा है तब तक चलिए फूली फूली आलू की कचौड़ी फटाफट से हम बना लेते हैं। यहाँ आलू की स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो गई है, अब इसकी हम नींबू के साइज के बोल बना लेंगे। इससे क्या होता है, इक्वली हम स्टफिंग कचौड़ी में भर पाते हैं। कभी कभी होता है कि किसी किसी कचौड़ी में ज़्यादा स्टफिंग भर गया है, किसी कचौड़ी में कम भर गया है, तो इस तरीके से इजी भी होता है और अच्छे से इक्वली सारे स्टफिंग भर जाता है। तो यहाँ पर हम सारे तैयार कर लिए हैं स्टफिंग। अब चलिए आटा के भी चेक कर लेते हैं। आटे के भी 1/2 घंटे हो गया है रेस्ट में रखे हुए, आटे भी बढ़िया से सेट हो गया है। एक बार आटे के इस तरह से हम मसल लेंगे ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए। अब एक बॉल तोड़ेंगे, अब इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। अब बाकी के इसी तरह से सारे बॉल हम तैयार कर लेंगे और सारे बॉल तैयार करने के बाद में एक बॉल लेंगे, इस तरह से कटोरी के सेप देंगे। किनारे से पतला रखना, बीच के सेंटर में मोटा रखिएगा, इस तरह से आप कर लीजिएगा। फिर बीच के सेंटर में रखेंगे एक आलू के स्टफिंग और सभी तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे या घुमा करके इस तरह आटा हटा देंगे और इसे सर्कल में घुमा करके प्रेस कर देंगे। इसे अच्छे से बंद कीजिएगा, नहीं तो फ्राई करते समय खुल भी सकती है। सेम प्रोसेस से हम सारे स्टफिंग भर लेती हूँ, किनारे से पतला करें, बीच के सेंटर से मोटे रखें। इससे कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेंगे। घुमा करके इस तरह से बंद कर देंगे और इस तरह आटा हटा करके प्रेस कर दे। यहाँ सारी तैयार कर ली है, अब इसे बेलेंगे। उसके लिए यहाँ पर चकला लिए हैं, चकला पर एक रखेंगे और रख करके हम इस तरह से हम बेलेंगे। तो यहाँ पर बीच में से नहीं बेलना है, इस तरह से किनारे से बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि आलू के कचौड़ी है, दाल के कचौड़ी होती तो उसमें उतना टेंशन नहीं होता है। लीजिए एक कचौड़ी हम बेल ली है, सेम तरीके से हम सारे कचौड़ी हम बेल कर तैयार कर लेती हूँ। किनारे से पतला रखना है, बीच के सेंटर में मोटा रखना है। तो लीजिए सारे हम कचौड़ी बेल करके तैयार कर ली है। अब चलिए गैस की तरफ। गैस के ऊपर हम तेल गर्म होने के लिए रखे हैं, तेल के हमें मीडियम गर्म रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, हल्का हल्का इसमें से बबल्स ही आ रही है, इतने भर हमें गर्म रखना है। फ्लेम के मीडियम रखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप तड़के के ऊपर आ जाएंगी और फूलने लगेंगी और वेट करना है, सेक कर खुद ही ऊपर आ जाएगी और फूल जाएंगे। और यहाँ सबसे जरूरी टिप्स है, ऑयल थोड़ी भी ठंडा हो गई तो ये आलू की कचौड़ी है तुरंत तेल अब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ शुरू शुरू में तेल के अच्छे गर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम अलट पलट के इसे सेक लेंगे। कभी कभी कचौड़िया क्यों नहीं फूलती है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा बेल जाती है। थोड़ा सा पतला बेल करके तैयार कर लेंगे तो सभी कचौड़िया अच्छे से फूल जाएंगे। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना होगा, तभी खस्ता कचौड़िया बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, बढ़िया से फूल गया है। आप कंपेयर करेंगे दाल के कचौड़ी से तो आलू में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, फिर भी कचौड़ी एकदम खस्ता बनती है। यहाँ तैयार हो गई है आलू की खस्ता कचौड़ी, इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। यहाँ हमारी आलू के
सभी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे और ये आप देख सकती हैं, हल्का ठंडा होने के बाद में इसका टेक्सचर और कलर आप देख सकती हैं। जो आप मार्केट में कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली टेस्ट इसमें भी है। इस सब्जी के आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बनाकर आप फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस खाने में लगता है। अब इसे हम वैसा ही सर्व करेंगे जैसे कि मार्केट में सर्व करते हैं, एक थोने में हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आलू की सब्जी पहले सर्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कचौड़ी सर्व करेंगे। ये लीजिए मार्केट स्टाइल एकदम फूले फूले खस्ता आलू की कचौड़ी, आलू के स्पेशल वाली सब्जी के साथ बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी एकदम खस्ता बनी है, आप देख सकते हैं। तोड़ने से इसकी टेक्सचर अंदर के देख सकते हैं, बिल्कुल जो मार्केट में आप कचौड़ी खाते हैं ना ठेले पर, बिल्कुल वही वाली अंदर से इसमें टेस्ट टेक्सचर सभी आई है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पर मार्केट स्टाइल इस तरह से हम सब्जी के साथ कचौड़ी के सर्व कर ली है, तो इसी तरीके से मार्केट में भी सर्व करते हैं। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बनाना भी बहुत आसान कर दिए हैं, आप इजी तरीके से इसे बनाकर मिनटों में एकदम खस्ता फूली फूली कचौड़ी और सब्जी के साथ तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आती तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के एंड करते हैं, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।